नमस्कार, मैं एम ए कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत सपाइयों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। जी हां, दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के प्रति सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रवैये को लेकर आज बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। सपा कार्यकर्ताओं ने किसान महाविद्यालय के पास स्थित शिव मंदिर में एकत्रित होकर सपा छात्र सभा के निवर्तमान अध्यक्ष नंदेश्वर यादव के नेतृत्व में हवन यज्ञ किया। इस अवसर पर नंदेश्वर यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश और प्रदेश सरकार जिस तरीके से किसानों के खिलाफ व्यवहार कर रही है वह निश्चित रूप से अमानवीय है। किसान इस कड़कती ठंड में लगातार 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, परंतु केंद्र की सरकार उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। किसान अन्नदाता है और बिना किसानों के हम इस धरती की कल्पना भी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश सरकार ने धरना दे रहे किसानों का पानी बंद कर दिया है, जिससे किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। सरकार 26 जनवरी की घटना को लेकर किसानों पर अनर्गल और झूठे आरोप लगाकर किसानों को बदनाम करने का कार्य कर रही है। किसानों के ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर किसानों के आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, ताकि वे किसानों की समस्याओं को सुनकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। आज हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि के लिए आज हम लोगों ने हवन किया है कि जिस तरह से किसान महीनों से ठंड में ठिठुर करके और जिस तरह से जो है वहां प्रदर्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके और जिस तरह से 26 जनवरी को किसानों को बदनाम करने के लिए दंगे जो करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और किसानों को फिर से बदनाम किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसानों का पानी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। किसान त्राय त्राय कर रहा है। आज किसान नेता टिकैत जो रो रहा है, और पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि किसान अगर नहीं है, अगर खेती बाड़ी नहीं है, तो ये देश कहाँ चला जाएगा, ये देश भूखों मर जाएगा। इसलिए हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि इन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे ऊपर वाला, ये जो तीनों जो काले कानून है इसको वापस लें, और वापस लेकर के किसानों का अपमान करना ये लोग बंद करें। जिस तरह से किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, जिस तरह से किसानों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, निश्चित तौर से ये किसानों का अपमान कर रहे हैं। किसानों का अपमान करना बंद करें और तीनों काले कानून इसको वापस लें, यही हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है। हम लोग हमेशा किसानों के साथ हैं, किसान हित के लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग जो है उसका वो करेंगे, क्योंकि किसान के बिना कुछ संभव नहीं है। अगर हमारे पत्रकार साथी भी अगर रोटी खाते हैं तो वो किसान के ही पैदा की हुई खाते हैं, इसलिए किसानों के बिना कुछ भी संभव नहीं है।